हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हीट ट्रांसफर। इसके अंदर हम सीखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट देते हैं तो कितने वे से ट्रांसफर होता है और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि आप किसी रॉड को आप हीट करते हैं, या मतलब कि कोई बर्नर है वहाँ पर आपने हीट रखा, और सॉरी हीट रखा नहीं, रॉड को रखा, तो उसका जो मिस दैट पार्ट वेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन द फायर और द बर्नर, सो इट विल बी द हीट क्विकली एंड यू विल सी दैट कि स्लोली 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 वेयर यू होल्ड द रॉड इट विल बी द हॉट अप। सो इट इज़ द वाई इट इज़ द हॉट अप, मतलब ये क्यों गर्म हो रहा है, क्यों, क्योंकि लेकिन डायरेक्ट तो हीट तो उसको मिल नहीं रहा है, तो हीट का ट्रांसफर इस रॉड के थ्रू स्लोली स्लोली हो रहा है क्या। तो एक किस तरह का होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। हीट अगर आप अगर ट्रांसफर करने मतलब हीट को ट्रांसफर करने का तीन मेथड होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इसमें से कंडक्शन है जो कि स्लोली स्लोली प्रोसेस धीरे धीरे होते रहता है। उसके बाद अगर देखें कन्वेक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि मास का डायरेक्ट मूवमेंट होता है। अच्छा, इसमें जो अभी हीट कर रहे थे कि जैसे यहाँ पर हीट किया इसके वेरी फर्स्ट पार्ट को, तो उसके चलते जो जो उस मॉलिक्यूल जो डायरेक्ट होगा तो थोड़ा सा वाइब्रेट हुआ होगा, रोटेट हुआ होगा कुछ इस तरह से, और कोलिजन हुआ होगा और फिर अपना एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर किया होगा और धीरे 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 ऐसे पास किया होगा। कन्वेक्शन में क्या होता है, लेकिन एक्चुअल में मास का मूवमेंट नहीं हुआ, केवल वाइब्रेट किया या उसी पॉइंट पर रोटेट किया, स्पिन किया होगा और वो अपना एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जो कन्वेक्शन है वहाँ पर ट्रांसफर हुआ होगा। तो उसके कंपेरेटिवली ये थोड़ा फास्ट मूवमेंट होता है एनर्जी का ट्रांसफर, किस में, कन्वेक्शन में। जैसे वो फ्लूइड और लिक्विड के लिए आप या गैसियस के लिए देख सकते हैं, जैसे वाटर वेपर है, तो अगर हॉट एयर है तो आप हॉट एयर को देखिए, जैसे ही वो गर्म होता है ऊपर की तरफ पहुंच जाता है, तभी तो बारिश का फॉर्मेशन और वाटर साइकिल वो पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। और तीसरा रेडिएशन, जैसे आप जानते हैं कि उनको किसी जरूरत नहीं पड़ता किसी मीडियम वगैरह का, वो अपना बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर जाते हैं। जैसे सनलाइट से यहाँ पर जब आता है तो उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। और जितना भी आप हीट वगैरह आप देखते हैं, मतलब कि जो कोई भी गर्म चीज़ है और वहाँ से हीट निकल रहा, तो रेडिएशन ही रहता है। जैसे कि आपका रूम हीटर वगैरह है तो रेडिएट करके ही आता है। तो ये है, तो अभी हम पूरा का पूरा अपना फोकस रखेंगे कंडक्शन पे, कि कंडक्शन का क्या फिनोमिना है, मतलब कंडक्शन कैसे होल्ड कर रहा है या क्या हो रहा है उसके लिए, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक रॉड को हीट करते हैं या उसके चलते हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये रॉड है और इसको आपने यहाँ पर एक एंड पे ऐसा हीट कुछ किया, ठीक, तो उसके चलते हीट का ये ट्रांसफर हो रहा है। तो ये इस पर डिपेंड करेगा, जो हम हीट दिए तो हीट का ट्रांसफर किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा या किस किस बात पर होगा। तो एक तो इसका साइज पर है, कि मतलब कि अगर आप देखिएगा कि कोई भी चीज़ को अगर आप हीट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई पिन है और आप कैंडल ले लीजिए और उसको आप देखिएगा पिन को, वो फटाक से 10-20 सेकंड में एकदम रेड हॉट हो जाएगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है और उसका काफ़ी लेंथ भी कम है, उसके आसानी से वो हीट का उस आ जा रहा है। दूसरा, सेम आप उसके पिन के जगह पर कोई नेल लीजिए उसके कंपेरेटिवली मोटा हो, तो आप देखेंगे कि उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा समय लगेगा। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मतलब कि हीट का जो रेटेड है उसका फ्लो करने का, वो डिपेंड करता है कि इसका साइज कैसा है। अच्छा, उसके भी ऊपर कि कैसा मटेरियल है, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक का लीजिए, तुरंत मेल्ट डाउन कर जाएगा, या कुछ वैसे प्लास्टिक का तो वो कंडक्टिंग में नहीं आता है, उसका मतलब मेल्ट हो गया तो उसका स्ट्रक्चर ही बदल गया। दूसरा कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास आयरन का है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, कुछ और ब्रोंज है, डिफरेंट जितने अलग अलग तरीके का, तो अगर अगर हो तो उसका डिफरेंट तरीके से हीट का होगा ट्रांसफर होगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने हीट जैसे यहाँ पर T1 टेम्परेचर दिया और यहाँ पर फ्लो होते होते T2 टेम्परेचर है, ठीक है। तो और यहाँ पर मैं ऐसा कह दूँ कि T1 इज ग्रेटर देन T2, ये हीटर हॉट अप ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये हीट का ऐसा फ्लो होगा, यही ना, धीरे 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 वहाँ पर ऐसा जाते जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि हीट का जो फ्लो होने के लिए, और इस वायर का लेंथ सपोज L है, या वायर है या कुछ इस तरह का कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो उसमें क्या होता है कि जो आप हीट दे रहे थे, मतलब कि जो यहाँ से हीट हम इसको दे रहे थे, कुछ से कह लीजिए Q, और ये Q अगर सेम अगर उसमें रहता है
मतलब कंडक्टर है, तो एम एस डेल्टा टी ऐसा हम इसको बताते हैं। तो अगर हम इसका रेट निकालें डी क्यू बाई डी टी का, या जो रेट उसमें कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। अच्छा, ये रॉड जितना लंबा होगा और टी टू का वैल्यू उतना कम होगा क्या, बताइए। यही होगा ना कि मतलब कि कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि अब मान लीजिए कि दो एक मीटर का रॉड है और फिर उसको डायरेक्ट हीट करिए, तो कुछ हीट का ट्रांसफ़र होते होते आपके हाथ में जो फील होगा होगा। फिर कोई एक मीटर के बजाय कोई दस मीटर के रॉड है, तो कह के अच्छा तुम अभी करते रहो हीट, दो चार दस मिनट लगेगा या सारा दिन लगेगा, उसके बाद हीट उसके पास पहुँचेगा अगर वो ज़्यादा उसका लेंथ लॉन्गर हो। तो हम उसमें से क्या कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा लेंथ होगा तो हीट का फ्लो उतना उसमें धीरे धीरे होगा। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो लेंथ के लिए है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर लेंथ। एक बात तो आपने सीखा। दूसरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना उसमें हीट का फ्लो ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया पे है तो फटाफट तुरंत ज़्यादा हीट लेगा। तो सेकेंड में आप ऐसा कह सकते हैं कि डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और तीसरा बच्चों, इसमें इसका पार्ट जो इम्पोर्टेंट है, डी क्यू बाई डी टी इन बात पे भी डिपेंड करेगा, इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, मतलब अभी टेम्परेचर कितना है और एंड पर और उसका उस पर कितना है। इन तीनों को क्लब करेंगे जब आप रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए, तो डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया बाई लेंथ ऐसा, और टेम्परेचर डिफरेंस टी वन माइनस टी टू ऐसा होगा। जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कॉन्स्टेंट आएगा जिसका नाम होगा कंडक्टिविटी, और इसी के बारे में हमें आज का लेक्चर पूरा समझना है। कंडक्टिविटी, एरिया, लेंथ, टी वन माइनस टी टू, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस आप इसको समझिए और आपका काम होते जाएगा। कंडक्टिविटी एरिया वाइज मतलब हुआ क्या कि जैसे यहाँ पर उस मटेरियल का मतलब मटेरियलिस्टिक नेचर का है, तो कंडक्टिविटी हर मटेरियल का अलग अलग होगा। तो जो रेट ऑफ फ्लो है, जो हम इसको हीट दे रहे हैं, वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर लेंथ, और उस दोनों एंड का टेम्परेचर के टी वन टी टू पे, ठीक है। तो इसमें इसमें फिर क्या होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मान लीजिए कि इस एंड पर अगर हॉटर है ये और एक कोल्डर है, तो अगर आप इधर से इसका पेन का थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, ये दिख रहा होगा बच्चों ज़्यादा, हाँ, अगर हॉटर है वो वाला है तो इधर से अगर आप जाएंगे तो हीट धीरे 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 कम होगा, एक कोल्डर है तो इधर की तरफ आप बढ़ेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा होगा। तो एक ऐसा जोन होगा यहाँ पर, इसमें ऐसा मान लीजिए कि जहाँ पर उसका जो बढ़ जो घटने का और बढ़ने का वो एक जैसा होगा, हीट का जो फ्लो होगा जब यहाँ से घट रहा, यहाँ से अभी हम हॉटर टेम्परेचर पर, क्योंकि सिंस टी वन इज़ ग्रेटर देन टी टू है, तो आप इधर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटते जाएगा, यही होगा। और जो कोल्डर की तरफ आप ऐसे इस तरफ अगर हॉटर की तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो एक ऐसा पार्ट होगा उसमें कि जहाँ पर हीट का फ्लो ना बढ़ेगा ना घटेगा, एक जैसा होगा, तो उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। इस पार्ट को स्टेडी स्टेट। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो रेट ऑफ फ्लो इसका है इस पोर्शन में वो कांस्टेंट रहेगा, डी क्यू बाई डी टी का वैल्यू कांस्टेंट होगा, ये चीज। तो ये बात आपको, ये इसका जान है इस पूरे का, मतलब आप कह लीजिए कि आत्मा है इस पूरे कॉन्सेप्ट में, कि स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट होगा और इसी का हम यूज़ करेंगे। अच्छा, थोड़ा बहुत इन पर ध्यान दे दिया जाए कि कंडक्टिविटी पर, कि जो इसका के का वैल्यू आया, तो के का वैल्यू अगर आपका लार्जर अगर है तो वो बताता है कि हीट का ट्रांसफ़र फटाफट होगा, मतलब कि अच्छा गुड कंडक्टर है। लार्जर वैल्यू ऑफ के, इट विल इंडिकेट दैट इट विल बी द मोर हीट विल ट्रांसफ़र। और के का वैल्यू अगर कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वो गुड इंसुलेटर है, मतलब हीट का ट्रांसफ़र कम कर रहा होगा। तो ये लार्जर वैल्यू ऑफ द के समझ में आया कि इसका क्या मतलब है, लार्जर वैल्यू के होगा तो इसका मतलब कि हीट का ट्रांसफ़र अच्छा कर रहा होगा और गुड कंडक्टर है। बेसिकली देखिए कि वो कंडक्टर का मतलब आप यही जानते हैं ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि अगर कोई करंट उसमें फ्लो करते हैं तो होता क्या था, तो
तो उसमें क्या होता था कि एटम में उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता था और फ्री इलेक्ट्रॉन उसको मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर जनरेट होता है, तो उसके चलते मतलब जो टेंथ वगैरह में थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो देखा होगा या जो कुछ बच्चे पहले से देख रखे हैं, तो उसमें यही बात होगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा और फ्लो करने की कोशिश करेगा, बाकी आपका करंट का फ्लो होगा तो हम कंडक्टर बोलते हैं। हीट में क्या हुआ ऐसा, तो उसमें उसमें भी यही है कि जो उसमें एटम है या जो फ्री एटम या फ्री इलेक्ट्रॉन होगा या एटम को अगर एक एक उसका मान लें, तो जो हीट लिया तो हीट लेने के बाद वाइब्रेट करेगा या रोटेट करेगा, यही बात होगा। मतलब कि अगर हम थर्मोडाइनमिक्स में अभी देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता था कि वो कितने तरीके से एनर्जी ले सकता है, तो मोनोटॉमिक के लिए 3 होता था तो और डायटॉमिक के लिए 5 तरह से कर सकता है। तो हम इन जनरल कह रहे हैं कि अगर वाइब्रेशन होता है तो वाइब्रेट करेगा, फिर उसके बाद वो कोलिजन करेगा अपने नेबरिंग वाले से और नेबरिंग वाले को फिर अपना हीट ट्रांसफ़र कर देगा, या इलास्टिक कोलिजन होगा तो अपना वेलोसिटी ट्रांसफ़र कर देगा, तो उसमें काइनेटिकली मूवमेंट होगा और अपना हीट का ट्रांसफ़र करते जाएगा। मूवमेंट भी वैसा नहीं कि वो चलने लगेगा, बस वो वाइब्रेट करके आगे की तरफ बढ़ा देगा, ठीक है। तो सेम रीजन से तो वो एटम टू एटम या मतलब उस पर डिपेंड करेगा, तो इसीलिए उसका मतलब कंडक्टर का हम किसी भी कंडक्टर का कंडक्टिविटी देखते हैं, और इंसुलेटर मतलब इसका वैल्यू अगर कम है तो उसमें उसका कंडक्टिविटी कम होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि और इसका मतलब क्या है कंडक्टिविटी का, मतलब कि ये बताएगा कि हीट का फ्लो कैसे कराएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप गर्मी के दिन में हैं, मतलब एकदम 45 डिग्री टेम्परेचर वाला मई जून वाला एकदम गर्मी पड़ रहा है दबा के, और आप कहीं एग्ज़ाम देने पहुँचे हों और इन बिटवीन एग्ज़ाम के बीच में गैप है 2 घंटे का जैसा कि एडवांस में रहता है, पार्क दिखा सोचे कि चलो बैठा जाए, तो आप कहाँ पर बैठना पसंद करेंगे, क्योंकि बेंच पर। तो बेंच भी सपोज 2 तरीके का है, एक लोहे का बेंच है आयरन बेंच है और दूसरा एक लकड़ी का बेंच है, सो ऑब्वियसली यू विल जस्ट पुट ऑन योर बम्प ऑन द आयरन बेंच पर, तुरंत फटाफट खड़े हो जाओगे। लकड़ी वाले हाँ ये ठीक है यहाँ पर बैठेंगे, तो हुआ क्या टेम्परेचर किसका ज़्यादा था, लकड़ी का या लोहे का, तो कहेंगे सर लोहे का, गलत। देखो अगर लॉन्ग टाइम में अगर है ना वो बाहर पड़ा हुआ है तो दोनों एक समान से हीट हो रहे हैं, तो लोहे का भी और लकड़ी का या वुड का भी दोनों का सेम टेम्परेचर होगा। अब जाकर मेजर करेंगे, अब मेजर नहीं भी करेंगे तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि दो चीज़ें अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए सेम टेम्परेचर पर है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, जो सराउंडिंग का होगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों होंगे, लकड़ी भी होगा और आपका ये लोहे का भी होगा, लेकिन लोहे का जो कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो क्या कहेंगे जैसे ही बैठे वो आपका हीट का फ्लो करा दिया, यही मतलब हुआ ना कंडक्टिविटी का, कि कोल्डर बॉडी और हॉटर बॉडी के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा तो हॉट वो ज़्यादा हॉट है तो उसकी तरफ फ्लो कराएगा, तो आप उसको गर्मी को फील करते हैं। वहाँ पर अगर लकड़ी वाले में जाकर बैठे तो उसमें क्या है कि उसका कंडक्टिविटी कम है, तो आप बैठने वहाँ पर गए तो वहाँ पर वो धीरे 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 फ्लो करा रहा होगा, तो इसलिए आपको गर्मी कम लगता है। तो समझ में आया कि कंडक्टिविटी का वैल्यू इसका के का वैल्यू ज़्यादा है, के का वैल्यू कम का कहानी, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट का फ्लो करेगा, तो ये कंडक्टिविटी के लिए है। अब हम अपनी बात करते हैं कि स्टेडी स्टेट में, तो स्टेडी स्टेट के लिए आपको ये बता रहा था कि एक ऐसा पोर्शन यहाँ पर जहाँ पर हीट का फ्लो इस रीजन में, मतलब मान लीजिए कि T1 टेम्परेचर है और T2 टेम्परेचर है, मैं आपको यही बताया कि यहाँ पर dQ/dt का जो वैल्यू होगा विल हैव कांस्टेंट, है ना बच्चों। अब तो अब इसमें आप मान लीजिए कि एक के बजाय 2 अगर कर देते हैं ऐसा, जैसे यहाँ से कुछ T1 है, यहाँ का T2 होगा, यहाँ का T3 होगा, यहाँ का T4 होगा, तो अगर इसमें अगर देखेंगे स्टेडी स्टेट में अगर यहाँ पर करेंगे तो dQ1/dt इज इक्वल टू dQ2/dt इज इक्वल टू dQ3/dt। तो स्टेडी स्टेट में यहाँ का जो हीट का फ्लो इस तरफ से ऐसा हो रहा है और हीट का फ्लो इस तरह से ऐसा हो रहा है, तो स्टेडी स्टेट में ये सब आपस में इक्वल होंगे, और यहाँ पर इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रख दिया यहाँ का T2, मतलब यहाँ से मान लीजिए कि T1 अगर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वो लास्ट वाला T4 से, तो हीट का फ्लो ऐसा ही होगा। इस जंक्शन पे देखेंगे तो क्या होगा कि T1 अगर कहीं इस जंक्शन से तो नहीं, तो ठीक इसके पहले का कि जो रेट फ्लो यहाँ पर होगा, मतलब कहीं भी किसी पार्ट पे देखेंगे जहाँ पर स्टेडी स्टेट होगा रेट का फ्लो एक जैसा होगा, तो हम ऐसा बता सकते हैं dQ1/dt dQ2/dt और इस तरह का होगा, ठीक है। तो ये स्टेडी स्टेट का मतलब समझ में आया कि dQ/dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विल बी कॉन्स्टेंट,
तो इसी को थोड़ा और मॉडिफाइड करके लिख लिया जाए, किसको, इनको, कि डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू के कंडक्टिविटी एरिया, और यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जैसा इसके कहने का क्या मतलब होता है कि जहाँ कहीं का भी, ग्रेडियंट का मतलब डिस्टेंस से डिवाइड हो जाता है, जैसे आपने देखा था वेलोसिटी ग्रेडियंट कहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हैं मतलब कोई फ्लूइड में, या उनके बीच का जो लेयर्स होते हैं, कि वेलोसिटी का डिफरेंस होता है कि अगर आप डी एक्स नीचे की तरफ जाते हैं तो डी वी वेलोसिटी से कम हो जाता है, तो डी वी बाई डी एक्स वहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। ऐसे ही प्रेशर ग्रेडियंट होता है, जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर कम होते जाता है, या टेम्परेचर भी कम ही होता है, तभी तो ठंडा लगता है ना ऊपर जाते हो, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ के इसके लिए आप उसमें मान सकते हैं। और इस रॉड में क्या के लिए कि टेम्परेचर कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, और कुछ आपने अगर डी टी है, और यहाँ पर अगर डी एक्स अगर जा रहे हैं तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। और दूसरा कि आप इसको डी क्यू इज इक्वल टू के ए चेंज इन टेम्परेचर टी वन माइनस टी टू इंटू डी टी भी देख सकते हैं। तो आगे आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इस तरह का मिलेगा, मतलब ये आपको बस जस्ट एक ग्लिम्स दिखा रहा हूँ कि इसके पहले का क्या 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 आपको जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया डी क्यू बाई डी टी के लिए। अच्छा, सब कुछ बताया, आपको यूनिट नहीं बताया, के को पहचानोगे कैसे कि ये के का वैल्यू है, ऐसे ऑल द तो लिखा ही रहेगा। तो यहाँ से देखिए कि जूल पर सेकेंड इस साइड में तय हो गया, इसमें अगर देखेंगे तो एरिया मीटर स्क्वायर और मीटर, तो यहाँ पर हो गया मीटर, और यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड कह लीजिए। तो जो कंडक्टिविटी का यूनिट है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जूल सेकेंड मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, या आप इसको ऐसा जूल पर सेकेंड को वाट भी बोल सकते हैं, मीटर डिग्री सेंटीगरेट इस तरह का। तो एसआई यूनिट से इसको आप समझते रहिएगा। तो अक्सर पूछ लिया जाता है कभी कभी मेंस में कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो करेक्टली मैच में आप इन सबों को एकाध को दिखा सकते हैं। ये बात समझ में आया क्या बच्चों आप लोगों को? इसको अगर कुछ लिखने का मन कर रहा हो तो आप अपना पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। एक और आपको समझा देता हूँ, थर्मल रेजिस्टेंस, बस है तो एग्जैक्टली वही एंड ओम्स लॉ, बस देखने का नजरिया खाली बदल जाएगा। एंड ओम्स लॉ इन थर्मल कंडक्शन, यही लिख देता हूं। कंडक्शन, तो इसमें आप ऐसा देख लीजिए कि अगर टेम्परेचर है कुछ T1 और यहाँ पर है T2, तो T2 इज सपोज लेस देन T1 है, तो हीट का फ्लो होगा, यही होगा ना। तो इसमें क्या होगा कि जो, अच्छा आप ओम्स लॉ के बारे में देखिए, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR है ना, I करेंट होता है, मतलब करेंट फाइनली जो फ्लो हुआ, तो यहाँ पर भी I क्या है, आई के जगह पर हम चार्ज बाई टाइम लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी, तो चार्ज फ्लो होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां पर हीट फ्लो होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी क्यू बाई डी टी, हीट, रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट सिंपली कह दीजिए, और वहां पर रेट ऑफ चार्ज फ्लो। तो उस तरह से यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी वायर में अगर देखेंगे तो कैसे होता है, एक का V1 है एक का V2 है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर T1 T2 है, T1 माइनस T2, ठीक, और इसको भी साइड में लिख लेता हूँ कि आपको विजुलाइज करने में आसानी होगा, dQ by dt is equal to T1 माइनस T2 लेंथ फिर से वही लिख रहा हूँ एरिया बाय लेंथ और कंडक्टिविटी, ऐसा। तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस को अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये चार्ज वाला है बच्चों, ये डी क्यू बाई डी टी उससे नहीं है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी रो एल बाई ए रेजिस्टेंस के लिए होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस तो डेल्टा वी है, तो उससे सिमिलैरिटी यहाँ पर है। तो यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस को जो हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू यहाँ से, तो वहाँ से अगर आर इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होगा, वी बाई आई है ना। तो यहाँ पर अगर V बाई आई की जगह पर ये कितना हो जाएगा, T1 बाई T2,
T1 माइनस T2 ऐसा, और या तो आप ऐसे कर लो, R इज इक्वल टू, सबसे बेहतर यह है कि R इज इक्वल टू 1/K और L/A है ना, तो मतलब उससे अगर सिमिलैरिटी है कि रेजिस्टेंस के लिए, तो वहां पर 1/ρ का वैल्यू 1/K आ जा रहा है और L और इसके लिए आ जा रहा है। तो अब देखिए यहां से अगर आप कंपेयर करना भी चाहें, R इज इक्वल टू T1 माइनस T2, जैसे मैं इसकी बात कर रहा था कि R इज इक्वल टू अगर एक लिखे भी कि ठीक है R इज इक्वल टू V/I होगा, तो T1 माइनस T2 हो गया और I के जगह पर रेट ऑफ फ्लो dQ/dt इसको लिखना पड़ेगा, तो dQ/dt के जगह पे ये पूरा चीज है। तो अगर आप लिखें यहाँ से तो T1 माइनस T2 ऐसा और ए एल के, तो ये कैंसिल होने के बाद अब देखो ऐसा ही बन रहा है क्या, L/1/K, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1/K L/ इतना, तो ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस को ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब कि वो एकदम एग्जैक्ट फोटोकॉपी है, इसीलिए इसको बताया जा रहा है कि जो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो 1/K कंडक्टिविटी लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, और नहीं तो ये तो आपके पास ही है dQ/dt इज इक्वल टू T1 माइनस T2। अच्छा इसको आपको लिखना और समझा देता हूँ कि अभी तक तो आप खाली देख रहे थे, जैसे क्या है कि इस तरह का कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है जो स्टेडी स्टेट अगर बता रहे थे, और यहाँ पर T1 है और यहाँ से T2 है, और T1 इज ग्रेटर देन T2 है, तो हीट का फ्लो ऐसा इसमें जाएगा, तो इसका जो रेट, और यहाँ पर जो स्टेडी स्टेट की बात कर रहे थे, मान लीजिए कि कहीं यहाँ से नहीं हो रहा है, टेम्परेचर T है, तो आपको ही बताया था ना dQ/dt इज इक्वल टू 1/dQ/2dt, मान लीजिए कुछ अलग होगा तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, और उस पार्ट पर मतलब टोटल लेंथ L है, टोटल लेंथ इसका L है, और आपको लगता है कि x डिस्टेंस पर इसका फ्लो रुक गया होगा या स्टेडी स्टेट में होगा, तो हम यहाँ से क्या बोल पाएंगे, तो dQ के लिए इसका कंडक्टिविटी सेम मटेरियल का है तो K होगा ऐसा, और उनका जो टेम्परेचर या एरिया, और टेम्परेचर का डिफरेंस T1 माइनस T, क्योंकि हॉटर माइनस कोल्डर इज इक्वल टू अपॉन, और उसका लेंथ उसका x हो जाएगा, और जब यहाँ से अगर इसकी बात करें तो K और इसका एरिया A और टेम्परेचर, ये वाला हॉटर होगा वो कोल्डर होगा, तो T माइनस T2 अपॉन L माइनस X ऐसा, तो K तो अपने घर चले गए, और हम x में इंटरेस्टेड हैं निकालने के लिए या t निकालने के लिए इंटरेस्टेड है, तो कैसे भी आप कर सकते हैं, तो आप यहाँ से आप देखेंगे कि इस चीज़ को जब आप लिख पा रहे होंगे तो L-X over X ऐसा, तो इक्वल टू T माइनस T2 अपॉन T1 माइनस T, इस तरह का कुछ होगा, बाकी का इसका और भी लिखना कुछ हो, L-X over T-T2 अपॉन T1 माइनस T माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से T1 माइनस T, तो T1 माइनस T, और उसमें करेंगे तो T1 माइनस T, तो माइनस माइनस हट जाएगा, तो T1 माइनस T2, तो कुछ उस तरह का है, T1 माइनस T2 अपॉन T1 माइनस T इक्वल टू L/X, मतलब L अगर पूरे पे दिया जाए तो यहाँ से T1 माइनस T2, और X अगर जितने पे चाहिए तो T1 माइनस T, मतलब फटाफट लिखने के लिए एग्जाम में वैसा समझने के लिए, अब पूरा मतलब इसको तो सम्मान देंगे नहीं, आप तो स्टाइल में तो फ्री स्टाइल में काम करते होंगे ना एग्जाम में, कि जितना जल्दी बन सके उतना काम हो जाएगा, तो ये तो बच्चों था हम लोग का कॉन्सेप्ट, खास करके इस पे ये वाला बहुत काम आएगा, और बाकी का थोड़ा बहुत कैलकुलेशन लगेगा बस आपको हो आ जाएगा, तो सीखने को आपको जो मिला यहाँ से एक बार फिर से लिख देता हूँ, dQ/dt इज इक्वल टू K एरिया अपॉन L T1 माइनस T2 ऐसा, और इसमें जो हीट है, अब हीट को आप कैसे कैसे कर सकते हैं, तो हीट के लिए भी जो पीछे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा, तो Q इज इक्वल टू MS∆T स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, या दूसरा कि अगर लेटेंट हीट है तो M इंटू L, तो बहुत होगा
तो इसमें वो खेल कर सकते हैं कि एम एस इन क्यू इज्कल टू एम एस डेल्टा टी और क्यू इज्कल टू एम एल, इन दोनों को क्लब करके आप सोचिएगा तो आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होगा और एडवांस वाले इसी पर टेस्ट करते हैं। बाकी का तो कलाकारी है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है बताया जाएगा तो आपको समझ में आएगा हाँ कि ठीक है ऐसा हो रहा है, एक कुछ हुआ मतलब एक इक्वेशन या जैसा भी वो नाम लिया कि दो बॉडी है ऐसा हो रहा है, कॉन्सेप्ट ही लगेगा जैसे मतलब होते हैं ना भाषा, तो भाषा ही मिलेगा आपको जो फिजिक्स की भाषा होगा उस भाषा में अगर बात करें कि ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा ऐसा क्या होगा। बाकी तो आपका इंग्लिश कमांड कितना है पढ़ते हो समझ में आता है विजुलाइज कर पा रहे हैं और कैलकुलेशन स्किल क्या है और इस कॉन्सेप्ट के जाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही आपको निकल मतलब कि वो निराश नहीं करेगा, आपको वो सॉल्व करा कर दे देगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो इसका कहानी था, आ जाइए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, निकाल लेते हैं क्वेश्चन पहले। ओह ब्लैंक है, कह रहे कि कंसिडर द टू रॉड्स ऑफ द इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड वन ऑफ द एल्यूमिनियम अदर इज द आयरन इज ज्वाइंट एंड टू एंड एज शोन इन फिगर, ए फिगर है। सो लेंथ ऑफ द टू रॉड्स ऑन द दे आर द थर्मल कंडक्टिविटीज इज आर एल वन के वन एंड एल टू के टू रिस्पेक्टली। ठीक है, इसका मार्क भी है, बस मार्क नहीं था तो एक के वन और के टू वो मैं पूरा कर दे रहा हूँ। T1 is greater if the ends of the rods are the maintained at a temperature T1 and T2, जो उसका उसमें है, find the temperature of the junction of the steady state in the steady state। देखो keyword इसके है तो इसी से सारा खेल बदल जा रहा है, तो इसके इस end पर temperature का let कर लेते हैं T होगा, तो and in the steady state, in steady state क्या होगा, rate of flow अगर एक end से है dQ1 dT इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी कुछ ऐसा होगा, तो अगर इसका लिखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, के वन क्रॉस सेक्शन एरिया ए अपॉन एल वन इन टू टी वन माइनस टी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि टी वन ज्यादा है तो हीट का फ्लो ऐसे ही होगा और इसमें हीट का फ्लो कुछ इधर से ऐसा होगा, तो इस पॉइंट पर वो दोनों रुके हुए रहेंगे। इससे अगर देखा जाए तो K2 into A over upon L2 is equal to T minus T2। देखिए तो ऐसा कुछ होगा क्या, रेट का रेट ऑफ फ्लो K1 A upon L1 T1 minus T is equal to K2 A L2 T1 minus T2। तो हम किसके लिए देखना चाह रहे हैं, T के लिए, यहाँ पर पड़ा हुआ है तो बाकी का कॉन्सेप्ट तो यहाँ से हो गया स्टडी स्टेट का मतलब और ये जो फॉर्मूला आपको जो सिखाया उसमें, अब बाकी एलजेब्रा है बच्चों, अब कितना कैलकुलेटिव है उस पर आपको काम करना है। तो देखिए ए से ए कैंसिल हुआ, उसको लाने के लिए क्या जो मतलब कि टी लाने के लिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से करेंगे के वन टी वन और यहाँ से एल टू और ए वाला के वन इंटू टी इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो के टू L2 T माइनस K2 L1 T2। देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ही होगा K1 T1 L2 और K1 T1 K1 T सॉरी T ही है केवल और ये वाला आपका K2 T L1 K2 T L1 था ना, देखो तो अभी नहीं आता तो फिर हम परेशान रहते या आप परेशान रहते कि ये कैसे हो गया, इसमें L1 L1 केवल होगा और K2। ठीक है तो अब T को पकड़ा जाए और उसमें देखो फिर एक्स्ट्रा लग गया होगा, उसमें भी K2 इंटू टी के वन टी एल टू, हाँ तो कहीं तो कम है, एक यहाँ कम है L2, बाकी वो सब सही है K2 L1 T और K2 T2 ऐसा होगा। तो T को खोज में हैं हम लोग, यहाँ पर है T तो इधर जाएगा और बाकी लोग इधर आएंगे, तो देखिए इसको लिखना मतलब कि एक तरफ से दूसरे तरफ में जाना, तो यहीं पे एक छोटा सा पट्टी बना ले बच्चों, यहाँ से दिखाई तो पड़ रहा होगा, लिख सकते हैं तो T को कॉमन लें तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, एक बार में लिख देते हैं K2 L1 प्लस ये वाला इधर जाएगा तो K1 K2 K1 T2 K1 T2, क्यों L2 ना, K1 L2 ऐसा K2 L1 K1 L2 इक्वल टू, इसको जब लिखेंगे
ये इधर गया होगा और दूसरे साइड वाले इधर आएंगे, तो K1 T1 L2 plus K2 L1 T2, ऐसा। तो T इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, K1 T1 L2 plus K2 L1 T2 upon K2 L1 plus K1 L2, ऐसा। देखिए K1 T1 L2 plus K2 L1 T2 upon K2 L1 K1 L2, तो ये मिलेगा। तो है ना आसान, ये द स्टेडी स्टेट dQ1 dt। तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी ये अच्छा है आपके लिए, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक के बाद एक बंद है, ये कैसे बंद हो गया, देख रहा हूँ सारा क्वेश्चन है ना, कुछ गैप तो नहीं हुआ है। देखिए सेकंड नंबर में क्या करें कि बार ऑफ कॉपर लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड बार ऑफ द स्टील लेंथ 125 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टुगेदर एंड एंड टू एंड बोथ आर द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद द डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, द फ्री एंड ऑफ द कॉपर एंड द स्टील आर द मेंटेन द टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टली। कॉपर वाला 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और स्टील वाला 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। द सर्फेस ऑफ द बार्स आर द थर्मली इंसुलेटेड एंड वॉट इज द टेम्परेचर ऑफ द कॉपर स्टील जंक्शन एंड वॉट इज द हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम क्रॉस सेक्शन ऑफ द जंक्शन, मतलब dQ/dt का भी पूछ लिया है। एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज दिस मच एंड एंड दैट ऑफ द स्टील इज 1.1 × 10⁻²⁻² किलो कैलरी पर दिस, ऐसा दे रखा है। तो ठीक है, तो पहले एक बार बना लिया जाए अपने लिए, बार कौन सा आयरन बार और या जो स्टील का बार, आप और बार तो नहीं सोच रहे हैं कहीं। देखिए तो इसमें ऐसा कहीं क्रॉस सेक्शन उसका पार्ट होगा, तो 75 सेंटीमीटर है और ये वाला 125 सेंटीमीटर है, अडजॉइन टुगेदर एंड टू एंड, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो जैसा कि आपको बोला था कि dQ/dt विल स्टेडी स्टेट में कॉन्स्टेंट होगा, इनका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ से ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर यहाँ से घटेगा और इधर आएंगे तो बढ़ेगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ना बढ़ेगा ना घटेगा, एक बराबर रहेगा। और कंडक्टिविटी इसमें के लिए तो ये कॉपर है और ये आपका स्टील है, तो इसको सी से दिखा देते हैं, KC, और उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस पाई ए ही बोल देते हैं, दोनों का सेम है तो कैंसिल ही हो जाएगा। ए टेम्परेचर की बात है जहाँ तक, तो 100 - t इसका टेम्परेचर जंक्शन का टी मान लेते हैं अपॉन 75 सेंटीमीटर, रखे रहिए क्योंकि दोनों साइड से 75 है, जब हमें हीट निकालना होगा तब उसके एम के सिस्टम में जाएंगे या देखेंगे, ठीक है। इक्वल टू वहाँ से के ऑफ स्टील एरिया और टी माइनस जीरो अपॉन 125, तो 75 × 3 = 25, 25 × 3 = 75, 25 × 5 = 5, ऐसा कुछ होगा। और केसी और उसका वैल्यू रखते हैं, तो ए तो पहले मुहूर्त में इनको भी भेज दिया जाए, तो केसी का वैल्यू कितना है बच्चों, कॉपर के लिए 9.2 × 10⁻²⁻², तो 9.2 × 10⁻²⁻² लिख लीजिए, 100 - t ऐसा, इधर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1.1 × 10⁻²⁻² टी खाली है अपॉन 5, तो 10⁻²⁻², ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9.2 × 5 कितना हो जाएगा, 46, 100 - t इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो 3.3 t, ऐसा। तो वहाँ से अगर आप करेंगे तो 4600 और ये 46 उधर जाएगा, तो 49.3 t, ऐसा। तो t चाहिए, अरे 50 रहता तो कितना अच्छा होता, नहीं यहाँ पर वो 50/2 और इसको फिर 92 बोल देते, ये कैलकुलेशन इसको
और इसको टू बोला जा सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा सा भी हम भी ज़्यादा कर देते हैं, तो टी का जो वैल्यू आएगा बच्चे जब इसको करोगे तो 92 से, क्योंकि 100/49 स्लाइटली इज ग्रेटर देन द 50 पॉइंट समथिंग, एंड 46 एग्जैक्टली इट शुड बी कम आउट टू बी इज 92, बट इट विल बी द इज द बिट लिटिल बिट मोर देन द 92, सो अराउंड 93.5 कैल्विन, सॉरी नॉट कैल्विन बिकॉज ऑफ द डिग्री सेंटीग्रेड एवरीथिंग, सो दिस इज द डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो उसका जंक्शन का होगा 100 से तो 93.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये तो उसका जंक्शन के लिए आ गया, तो सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया, कुछ ज़्यादा उसमें तो ऐसा नहीं था, 100 डिग्री था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, टी बीच का चाहिए था, बाकी का काम वो कर गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें क्या पूछा था कि थर्मल कंडक्टिव व्हाट इज़ द हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, मतलब dQ/dt। तो आप कोई सा भी सेट पकड़ लो जो आपको समझ में आता है, इसी को पकड़ लेते हैं dQ/dt निकालने के लिए, पहला वाला ही कॉपर वाला। तो dQ/dt इसका कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, यहाँ से T1 - T ओवर लेंथ एल, तो कंडक्टिविटी इसका कितना था 9.2 × 10⁻², CGS सिस्टम में था वो याद रखिएगा, यहाँ से वो कुछ किलो कैलोरी, तो हम उसको आंसर भी किलो कैलोरी पर उसको सेकंड में ही देंगे। तो एरिया जो आपका MK सिस्टम होता है हम उसमें चले जाते हैं, उसका डायमीटर था 2 सेंटीमीटर बच्चों, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ होगा ऐसा। और टेम्परेचर अभी अभी देखा कि इसमें T100 था और T का वैल्यू 93.5 इज रेड एफ एम होता है 93.5, मजाक कर रहा हूँ, 100 - 93.5 कितना हो जाएगा इज योर 6.5, तो ये तो आ गया 6.5। बाकी का लेंथ ऑफ द टेम्परेचर इज 0.75, बाकी का काम कर सकते हैं, तो 3/4, तो पहले जीरो को देख लिया जाए क्या, 9.2 × π × 6.5 × 3 × 4 × 10⁻⁶, तो 6.5 × 4 अगर करेंगे तो यहाँ से कितना हो गया 25, है ना, मीन्स 26 और 26 और 3.14, तो ये तो कुछ 100 समथिंग जा रहे हैं, तो 1 point something, तो इसको 3.07 कह लेते हैं, और उसमें वहाँ से 1 point something ये होगा, कुछ 1.1 ले लेते हैं, क्योंकि वो 100 समथिंग आ रहा है तो 2 जीरो हटाकर 10⁻⁴ कर देते हैं, तो उसमें किलो कैलोरी पर सेकंड ऐसा मान लीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा 3 point something तक। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो बच्चों आपको वहाँ पर भी करना, या मतलब जैसा आपको करना होगा कैलकुलेशन आप करेंगे, थोड़ा आंसर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन तो यही होगा, ये बात आपको समझ में आया, ठीक है, आया तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि सिलेंड्रिकल ब्रास इज द बॉयलर ऑफ द रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 0.1 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विद द वाटर एंड प्लेस ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर, इफ द वाटर इज द बॉइल्ड एट द रेट ऑफ 200 ग्राम पर सेकेंड। अच्छा, उसका बॉइलिंग रेट कितना है 200 ग्राम पर सेकेंड। एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द हीटर फिलामेंट, थर्मल कंडक्टिविटी ब्रास इज दिस एंड हीट एवेपोरेशन ऑफ दिस पर सेकेंड, टाइम दे रखा है 1 सेकेंड के लिए, तो हम ऐसा इसमें कर सकते हैं कि उसमें जो वो हीट वेपराइजेशन हो रहा, मतलब कि ये देखो क्या हुआ है, कुछ इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप में एक ऐसा है, और यहाँ से हीटर अपना, या हीटर अंदर मान लो, हीट अपना वो दे ये जा रहा है, और उसका रेट क्या है देने का, वाटर कितने रेट से बॉयल हो रहा है 20 ग्राम पर सेकेंड, 200 ग्राम पर सेकेंड, और 1 सेकेंड में ये तब तक क्या कर, मतलब कि 1 सेकेंड में ऐसा हो रहा है तब तक 1 ग्राम कितना हीट लगा रहा है, इतना 2.256 × 10⁻³, अगर 1 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना जूल दिया होगा 1 सेकेंड में, तो dQ/dt का वैल्यू आ गया क्या, बोलो बच्चों, यहाँ से dQ/dt मतलब इसके अंदर हीटर जो लगा होगा ये अपना काम कर रहा है और वाटर अपना बॉइल होते जा रहा होगा, यही काम हो रहा है, या हाँ, तो dQ/dt तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या कंडक्टिविटी ऑफ द, इसीलिए वो दे रखा है ब्रास का 109, एक बार इसका चेक करना होगा कि 109 ही है या 1.09 है, ठीक है 109 ही है, तो इसको अगर
109 और ये तो कंडक्टिविटी था, एरिया का वैल्यू, रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, तो पाई इज 225 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 ऐसा होगा, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी अभी के लिए बोल देते हैं, और लेंथ इनका कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2। तो अब इस dQ by dt को इसके आसपास रख लिया जाए तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला इधर आके मल्टीप्लाई होगा 200 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2, माइनस 2 को चलो दे दिया, बाकी का ये 2.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, ये इधर आ गए, इसीलिए इसको 225 लिखा था, कट नहीं किया था, 109 पाई इंटू 225 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 ऐसा होगा क्या बच्चों। तो पहले मुहूर्त में तो इन दोनों को घटा दें, लेकिन अच्छा चलो इसको हटा दिया, और यहाँ से एक 10 हटेगा, मतलब कि 100 एक आ जाएगा, तो 2.25 ऐसे वो ज़्यादा वैल्यू है उसका, तो खाली ये 3 हटा दीजिए, तो 225 पे चला गया, 10 बचा इंटू 2, तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, ये 10 रेज़ टू द पावर 4 ये पड़ा हुआ है, तो इसको कितना कर देगा 20,000, और पाई भी है, एक 10 भी बचा हुआ है, तो 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 ऐसा मान लेते हैं, और 109 और पाई का वैल्यू और है, तो देखो 20 तो एक खा जाएगा, तो इसको 2000 बनाएगा ये, है ना, और पाई का वैल्यू और है, तो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू अगर करेंगे तो 600 के करीब करीब ये मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कुछ 585.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपको ऐसा मिलेगा, कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको ये ऐसा इसी के आसपास ही आना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो पूछा था कि इसका बॉयलर का फिलामेंट का टेम्परेचर क्या होगा, यही है ना, तो अभी डेल्टा टी का वैल्यू था, तो डेल्टा टी में क्या हुआ, टी फाइनल माइनस टी वन इक्वल टू या इनिशियल जो उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपराइज हो रहा होगा, तो इक्वल टू 585, तो यहाँ से टी फाइनल अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 585.5 और ले लेते हैं प्लस 100, क्योंकि वो बॉयल हो रहा है कितने पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना, और इसको आप देखेंगे तो वेपराइजेशन हो रहा है, तो वेपराइजेशन कितने पर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सो दैट इज वाई, तो 685.5 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह का ऐसा मिलेगा। तो ये बात समझ में आया क्या कि इसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, करा स्लैब ऑफ स्टोन ऑफ द एरिया इज 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड थिकनेस इज 10 सेंटीमीटर एक्सपोज टू ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ द स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्ट ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द स्लैब। तो इस तरह का कुछ स्लैब है और इन पर यहाँ नीचे से आग लगा हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा है, और एक आइस का क्यूब है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ऐसा, रेस्ट ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द स्लैब इफ द 1 आवर 4.8 kg ऑफ आइस इज द मेल्टेड। वाह, एक घंटे में 4.8 kg आइस इज मेल्टेड, कैलकुलेट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्टोन। तो अगर वो मेल्ट कर रहा है तो उसका आइस का वो भी हीट वहाँ से कहीं ले रहा होगा, है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बाकी का तो हम देखेंगे कि भाई ये क्या हुआ, स्टडी स्टेट में अगर देखेंगे तो dQ by dt होगा, और इसका अपना Q का जो वैल्यू होगा वो क्यू होगा ही, और टाइम कितना ले रहा है, एक घंटा 3600 ऐसा, और बाकी इधर क्या चल रहा होगा, यहाँ से कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मांगा ही है, थर्मल कंडक्टिविटी एरिया अपॉन लेंथ और उनका चेंज इन टेम्परेचर, तो 100 माइनस 0 आप कर ही सकते हैं ऐसा, तो क्यू आ जाए के का वैल्यू, क्योंकि उसका तो 3600 वहाँ से तो गिवन ही है, और थिकनेस हमारा 10 सेंटीमीटर, मतलब कि वो लेंथ उसका होगा उसका स्लैब का ये चीज़ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें उसका हीट अगर लेकर आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, तो हीट लेकर आते हैं, उसमें क्या बोल रखा है कि 1 आवर 4.8 kg आइस इज द मेल्टेड, तो आइस अगर है तो उसके पास मतलब वो एनर्जी कहीं से ले रहा होगा, तो कौन दे रहा होगा, ये यही जो यहाँ से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट का जो ट्रांसफर हुआ है, तो 4.8 इंटू उसका लेटेंट हीट चाहिए आइस का, अगर वहाँ से मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, तो इसमें अगर हम देखेंगे कि हीट इसका अगर 4.2 है मास उसका, तो ग्राम में कर लें 1000, और लेटेंट हीट उसका देख लें तो 80 होता है
कैलोरी, और 80 को अगर हम 4.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जूल में आ जाएगा क्या आइस का, उसका लेटेंट हीट 80 और पर कैलोरी पर ग्राम, तो इसीलिए कैलोरी को 4.2 से डिवाइड कर दिया, 4.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3600 टाइम तो चल ही रहा था कि एरिया 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एम के सिस्टम में 3.6 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-4 होगा, तो 3.6 हो गया इंटू 100, और उनका लेंथ जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 हो गया ऐसा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या से क्या हो जाएगा, ये 1000 जाएगा ऊपर, ये तो गया, इस 1000 को तो खा ही जाएगा, तो कंडक्टिविटी के का जो वैल्यू होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 4.2 इंटू 80 इंटू 4.2 और 36, यहाँ से 36 इंटू 36 ऐसा ही मिलेगा। तो बाकी का आपको करना होगा, तो 4.2 है और 4.8 है, 4.2 नहीं है, 4.8 केजी है, तो 4.8 है। तो चलिए कुछ आशा तो आया कि इस डॉट को हटा दें, जीरो कर दें, 12 3 जा और 4 जा ऐसा होगा, फिर यहाँ से 1.4 और हो गया और 9 हो गया, तो क्या क्या बचा हमारे पास, 1.4 इंटू 8 अपॉन 9, तो बस आंसर उसी में छोड़ देते हैं, बस यूनिट का ध्यान अच्छे से रखेंगे इसका, तो 14 8 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 112, तो 11.2/9, और जहाँ तक इसका सवाल है जूल सेकेंड मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कंडक्टिविटी का इसका मिलेगा। तो समझ में आया, बस सिंपल था कि उसका उसके ऊपर रखा गया आइस को, उसके टॉप पर यहाँ से हीट दे रहे थे, स्टेडी स्टेट में देखें कि रेट का फ्लो क्या हो रहा होगा, तो मैंने आपको बोला था ना कि यह तो क्यू इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के एरिया इन बाई लेंथ इंटू उसका टेम्परेचर डिफरेंस, और क्यू को वो वहाँ से दूसरे तरफ से जोड़ देगा, तो क्यू का जो वैल्यू होगा उसका एम एस डेल्टा टी या एम इंटू एल, तो इस बार लेटेंट हीट के लिए काम कर रहा था क्योंकि आइस वहाँ से मेल्ट हो रहा था और हमारा कहानी बनते जा रहा था। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये देखिए है कमाल का क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है कि पढ़िए पहले आज, क्योंकि फ्यू रॉड्स ऑफ द मटेरियल एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड सोन इन अ फिगर, ये फिगर है देखिए, तो इसमें थोड़ा इनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, तो पेंटिंग कर दिया जाएगा इनका, ये ऐसा है, और बाकी का रॉड दिख रहा है होगा, मतलब सेंस बन रहा होगा, यहां से ई है, ये एफ है, ये ए है, ये बी है, डी और सी तो है ही, ठीक है बच्चों, ये ऐसा कुछ रॉड है और उनका लेंथ यहां से एल है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है। देखो उसमें क्या बोला कि उसमें ये बोला है कि थ्री रॉड्स हैं या फ्यू रॉड्स जैसा बोल रहे हैं, एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई आपको कितना दिख रहा है, एक्स वाई एक्स वाई, ठीक, मतलब एक्स एक्स का नीचे वाला और वाई वाई का ऊपर वाला ऐसा है, तो क्या कर रहा है, आइए अब पढ़ते हैं, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द ऑल द रॉड्स आर द सेम इफ द एंड्स ए इज द मेंटेन एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाले 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर है मेंटेन, एंड द एफ एंड इज द मेंटेन एट द 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ऐसा, तो पूछा जा रहा है कि आई कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन बी एंड डी इज द स्टेडी स्टेट, यहां पर ये मेंशन किया है एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट पर, और गिवन दैट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज एक्स द डबल ऑफ वाई, तो के एक्स का जो वैल्यू होगा वो 2 times ऑफ के वाई होगा क्या, ऐसा यही बता रखा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे बढ़िया तरीका है कि हीट तो ऐसा फ्लो हो रहा था और इधर जा रहा है और इधर जा रहा है,
बताओ, यही हो रहा है ना, ये हीट यहाँ से ऐसा अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो ये वाला ज़्यादा टेम्परेचर है और वाला 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हीट इधर ही से फ्लो होगा, और फ्लो होगा तो कैसे होगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक्स वाले में हो रहा होगा इस पोर्शन पे, डी क्यू एक्स ए बी रॉड के लिए अगर कह देते हैं अपॉन डी टी, तो उतने ही टाइम में वो यहाँ से डी क्यू ए बी सी ई हो रहा होगा, बी सी ई की तरफ गया, और फिर उसके बाद आपका डी टी, और इधर से देखा जाए तो डी क्यू बी डी ई की तरफ जा रहा होगा अपॉन डी टी। ऐसा देखिए तो पहले वाला कि जो इधर का जो रेट होगा, और यहाँ का टेम्परेचर हमें बी का बताना है, तो टेम्परेचर टी लेट कर देते हैं, है ना, टी बी कह लीजिए या टी वन कह लीजिए, टी वन कह लीजिए, बार बार लिखना पड़ेगा, और इसको टी की जगह पे टी टू कह लेते हैं, यही होगा क्या। तो इसमें अगर डी क्यू वाले में करेंगे तो टी माइनस ए टी माइनस टी वन, बाकी का वो कहानी, फिर बी सी ई से जाते हैं तो टी वन माइनस टी टू, इन दोनों का टेम्परेचर का, और यहाँ से टी वन माइनस टी टू इधर से होगा, लेकिन उसका कंडक्टिविटी दोनों का अलग अलग है। तो अगर पहले वाले को मैं लिखूँ, अगर इसी मोड में रहूँ, तो ये आपके दिमाग में छप गया ए बी टू बी सी ई प्लस वहाँ से बी डी ई, तो ए बी का जो रॉड होगा और बी सी ई वाई रॉड है और बी डी ई एक्स रॉड है। तो अगर इसका अगर लिखे तो क्या लिख पाएंगे यहाँ से कि कंडक्टिविटी ऑफ एक्स, मतलब जैसे मान लीजिए कि यहीं से इसको लिखता हूँ, कंडक्टिविटी ऑफ एक्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ए बाई एल, और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ का टी वन बोल दिए है तो ए टी माइनस टी वन, ऐसा यही होगा इक्वल टू इसके लिए y के लिए तो के वाई ए बाई एल, और वहां से टी वन माइनस टी टू प्लस के नीचे वाले के लिए x है a l, तो वहां से भी टी वन माइनस टी टू, ऐसा होगा क्या बच्चों, देखो तो ये बात समझ में आया। तो इसको अब आ गया है नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाने के लिए, तो के एक्स और के वाई टू के वाई है, तो इसके जगह पर के एक्स के जगह पे धीरे से अगर टू के वाई लिखते यहाँ पे और यहाँ पर टू के वाई, ए बाई एल ए बाई एल ए बाई एल अपने घर जा रहे होंगे, तो के वाई के जगह पे तो के वाई छोड़ दो और के एक्स के जगह पे टू के वाई लिखेंगे तो टू के वाई तो एग्जैक्टली ये तीन हो जाएंगे। तब तक इधर के एक्स वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, वो भी टू के वाई, तो के वाई से के वाई कैंसिल होगा तो बाकी का थ्री बाई टू लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कि क्या होगा कि जब आप उसको लिखेंगे तो 80 माइनस टी वन इक्वल टू थ्री बाई टू टी वन माइनस टी टू, बोलो बच्चों हाँ या ना, इक्वेशन नंबर वन आएगा क्या है? इसको जब मैंने लिखा ऐसा, इसको सॉल्व किया 80 माइनस टी वन, तो टी वन टी टू टी वन टी टू, तो यहाँ से के वाई रहा और टू के एक्स हुआ, और यहाँ पर सॉरी टू के वाई हुआ, यहाँ पर टू के वाई हुआ, तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम थे, मतलब कि के वाई कैंसिल होने के बाद, तो यहाँ पर एक वन था और एक टू था तो थ्री हो गया, और यहाँ से ये आपका टू ऐसा निकल कर आ गया, तो ये पहला इक्वेशन आ गया। तो वैसे ही हम इस इक्वेशन के लिए कर सकते हैं। अभी देखिएगा कि हीट का फ्लो कैसा होगा, इधर से ऐसे जाएगा और फाइनली ऐसे जाएगा। तो अभी जो आर्क इन दोनों का सम था, फिर से इन दोनों का सम इक्वल टू दिस इन दोनों के लिए आ जाएगा, और वहाँ पर वाई रॉड है, तो y के टर्म में ही अगर लिखे तो अभी भी कितने हो जाएंगे, 3ky है ना, 3ky, बाकी का t1 माइनस t2 तो चलते रहेगा कि उस एंड से दूसरे एंड से जब आ रहा है तो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा t2 माइनस, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर t2 है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो t2 माइनस 10 हो जाएगा और y के टर्म में। तो इसको अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, देखो 3 बाई टू के वाई वो सब जो कैंसिल हो रहा है उसको नहीं लिखते हैं ऐसा, और दूसरा वाला लेंथ कितना था, के वाई ही था, अच्छा लेकिन वो तो उससे बन कर आया है ना, तो इसको ऐसा कर देते 2 को अभी नहीं हटा देते हैं, मतलब कि सिंपल खाली वो करते कि ए बाई थ्री के वाई ए बाई एल, चलो ए बाई एल भी लिख ही देता हूँ, ए बाई एल लिख देता हूँ, और दूसरे वाले में y के लिए है तो वहाँ पर भी a बाई एल
और कंडक्टिविटी के वाई, और वहाँ से जब इसको लिखेंगे तो टी टू माइनस टेन ऐसा होगा क्या? देखो तो ऐसा इसके लिए लिखा तो मतलब कि अगर 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 ज़्यादा दिक्कत है तो लिख देता हूँ कि टी बी सी ई ओवर डी टी प्लस डी इधर से जो आ रहा होगा बी डी ई ओवर डी टी इक्वल टू डी ई एफ डी क्यू ई एफ ओवर डी टी। एक चीज़ और इसमें गलती हो रहा, वो क्या हो रहा बच्चों कि जब मैं इसका लेंथ ले रहा था तो ये एल क्यों लिया? ये तो इस तरह का है ना लेंथ, तो मतलब कि इसका सेमी सर्कुलर आर्क है तो सेमी सर्कुलर आर्क के चलते तो यहाँ पर जो एल का जो वैल्यू आया वो इतना नहीं होगा, फिर वो कितना होगा? उसका डायमीटर अगर देखा जाए तो कितना हो गया, एल है तो वहाँ से पाई एल मतलब कि पाई एल बाई या पाई इंटू एल ही कहेंगे, मतलब कि रेडियस कितना हो जाएगा एल बाई टू और फिर पाई एल बाई टू, तो फिर बाकी का वो निकल कर आएगा। तो यहाँ पर इसको एल के जगह पर एक और हमें इसको अलर्ट रहना पड़ेगा कि जो 3KL आया, चलो L तो हट जाएगा, लेंथ के जगह पे वहाँ पर L है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई L बाई टू, यहाँ पर पाई L बाई टू एक एक्स्ट्रा आएगा और मतलब पाई बाई टू एक एक्स्ट्रा आएगा। तो जो 3 का जो मल्टीप्लाई है तो उसमें से आप 2 पाई और मल्टीप्लाई कर दीजिए। टू पाई और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों जगह से पाई बाई टू ऐसा हुआ हो रहा था। हाँ तो यहाँ पर भी फिर क्या होगा कि फिर से यहाँ पर 2 बाई पाई, क्योंकि उसका लेंथ अलग अलग है और ए एल ऐसा है तो के वाई कैंसिल हुआ, ए बाई एल कैंसिल हुआ, तो यहाँ से कितना हो गया 6 बाई पाई टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू टी टू माइनस टेन, इक्वेशन नंबर 2। और वहाँ से आपका आया 83 पाई टी वन माइनस टी टू। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 6 पाई है वहाँ पर 3 पाई का वैल्यू है तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स ऑफ 80 माइनस टी वन इक्वल टू टी टू माइनस टेन, यही लिखा जा सकता है ना, क्योंकि इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बाई पाई हो जाएगा टी वन माइनस टी टू, तो उसके जगह पे 2 टाइम्स ऑफ 80 माइनस टी टू, क्योंकि ये रेडीमेड वैल्यू चाहिए था। तो वहाँ से हम इसका वैल्यू अगर देखें तो 160 प्लस 170, इसको अगर करेंगे 160 प्लस 1 तो 170 ये हो जाएगा, और माइनस 2 टी वन प्लस टी टू ऐसा, तो आपको टी वन या टी टू का वैल्यू मिल गया है, टी टू में ही रखना चाहिए, तो कहीं भी आप इसका वैल्यू पुट करके इसका आंसर ले जा सकते हैं। तो 80 माइनस टी वन फिर उसी में वैल्यू पुट कर देते हैं, 80 माइनस टी वन इक्वल टू 3 बाई पाई टाइम्स टी टू के जगह पे टी वन, तो टी वन छोड़ दीजिए, और टी टू के जगह पे कितना हो जाएगा 170 माइनस 2 टी वन ऐसा, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस टी वन 3 बाई पाई, और ये कितना हो गया माइनस 170 माइनस टी वन ऐसा, तो 3 बाई पाई ऐसा इधर इसको लेकर आते हैं माइनस टी वन इक्वल टू, यहाँ से अगर देखेंगे 170 इंटू 3 तो माइनस 510 बाई पाई माइनस 80 ऐसा, तो ठीक है। तो वहाँ से आप टी वन का वैल्यू कुछ कैलकुलेट करेंगे तो कुछ 50 या 40 ऐसा कुछ आता है, और टी टू का वैल्यू भी फिर वहाँ से आपको निकल कर आ जाएगा। तो एंड तक आप तो आपको यहाँ से दिखा दिया कि टी वन का वैल्यू, और जैसे ही टी वन का वैल्यू आएगा यहाँ पर टी टू का वैल्यू पुट कर दीजिए तो दूसरा वाला आ जाएगा। तो उसके पीछे का जो टेक्निक था वो समझिए, इसमें क्या था कि हीट जो फ्लो हो रहा है आके दोनों बढ़ रहा है, तो जितना आया जैसे करंट आके कैसे बढ़ता था, जैसे मान लीजिए कि आई करंट है और आई वन और आई टू में होता था, तो आई इज इक्वल टू हम यहाँ से बोल सकते हैं ना आई वन प्लस आई टू, तो सेम रीजन से उसको ऐसा बोला गया है।
आई क्या होता था, डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ पर हीट बाई टेम्परेचर और सॉरी हीट बाई एट द रेट ऑफ टाइम, वहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज होता है, यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ द हीट होता है, दोनों को ऐसा लिख दिया, बाकी का उधर एलजेब्रा है, कॉन्सेप्ट देखिए यहीं तक था। हाँ वहाँ पर एक आध वहाँ अलर्ट रहना था कि पाई बाई टू एल ऐसा लेना था, उसका सरकमफरेंस जो उसका लेंथ होगा वही लेंगे ना, तो पाई इन टू एल आपको करना था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या करा द स्पेस बिटवीन द, सभी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ये अच्छा केवल नहीं है, करा कि द स्पेस बिटवीन द टू थिन कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फेयर स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियाई ए एंड बी इज द फील्ड विद द थर्मल कंडक्टिंग मीडियम ऑफ द कंडक्टिविटी के, मतलब कि दो सेल है, एक ऐसा सेल मान लीजिए और दूसरा सेल एक ऐसा है, और इसके बीच में कुछ मटेरियल ऐसा फील है जिसका कंडक्टिविटी कुछ है, इनका रेडियस है ए और इनका रेडियस है बी, और उस मटेरियल का कंडक्टिविटी है बच्चों कुछ के है, ऐसा है, और इनर सेल हैज द मेंटेन द टेम्परेचर टी वन है और आउटर सेल है टी टू, मतलब अंदर से बाहर कुछ गर्म हो रहा होगा, इज मेंटेन एट द लोअर टेम्परेचर टी वन एंड आउटर सरफेस, तो हाँ अंदर ही गर्मी चल रहा है, आउटर सरफेस कोल्डर है, लोअर टेम्परेचर टी टू, तो टी टू इज लेस देन टी वन, ऐसा कह रहा है, तो कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट रेडिली आउटवर्ड डायरेक्टली थ्रू द मीडियम, तो मतलब बाहर की तरफ कितना हीट ऐसा निकल रहा होगा, तो मान लेते हैं बीच में कि एक स्टेडी स्टेट ऐसा कुछ होगा, यही होगा ना, छोटा सा एक रिंग होगा कुछ, उसका अगर इसका यहाँ से यहाँ तक का एक्स है तो छोटा सा पार्ट हो कुछ इस रिंग को जो कंडक्टिंग वाला रिंग है, ऐसा उस डी एक्स है ये चीज, और यहाँ से यहाँ तक एक्स है, ऐसा कुछ होगा, तो अभी आपको जो सिखाया था तो हमें डी क्यू बाई डी टी चाहिए, ठीक है ठीक है, तो डी क्यू बाई डी टी चाहिए, तो डी क्यू बाई डी टी सीम्स टू बी क्या है, करंट है, अगर ऐसा सोचे तो, मतलब हीट रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो है, कहेंगे यस सर है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, इस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस तो T1 माइनस T2 अपॉन रेडियस सॉरी रेजिस्टेंस, तो T1 माइनस T2 R की जगह पे 1/K कंडक्टिविटी L/एरिया, तो कहीं से ये काम हो जाए तो बाकी हमारा काम हो जाएगा, यही होता है ना मतलब इसका, तो ठीक है तो काम पे लग जाते हैं, तो कंडक्टिविटी के है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ के लिए dr का वैल्यू कितना होगा, कंडक्टिविटी तो k है 1/K r के जगह पे, और लेंथ के जगह पर dx मान लेते हैं है, और एरिया क्या होगा इसका स्फेरिकल शेप में है, तो कितना हो जाएगा 4πx² यही होगा ना, अगर स्फेयर का एरिया कितना होता है सरफेस एरिया, क्योंकि स्फेरिकल सेल है तो 4πr(x)² होगा, तो dr तो उसमें से 1/4K को बाहर ले लीजिए और dx ओवर x², और इसका a टू b ऐसा काम कर ले, क्योंकि ए से बी की तरफ चाहिए तो जितना का उसका रेजिस्टेंस होगा वो मिल जाएगा, क्योंकि इन्हीं के दोनों के बीच का वो फील है ये वाला, यहाँ तक तो ए है ना और यहाँ पर आउटर बी है तो बीच का ही चाहिए था, तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4K और dx ओवर x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा -1/x, तो यहाँ से -1/x और अपर लिमिट लोअर लिमिट ए बी ऐसा रखेंगे, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4K, जब अपर लिमिट को रखेंगे तो 1 - b माइनस ऑफ माइनस तो 1/a, तो 1/a माइनस 1/b, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, आंसर अपने आप को आपके कदमों में आ जाएगा, तो dq by dt अगर लिखेंगे तो T1 - T2 अपॉन r का जगह पर a b माइनस a नीचे की तरफ 4K आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा ab,
तो ये आ जाएगा बच्चों आपका। तो समझ में आया कि इसका कंडक्टिविटी में कैसे होगा, तो इसका एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाया गया। ठीक है, अब आ जाइए इसके, तो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन का सवाल था। इसमें क्या कर रहा है, क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स इज मेड ऑफ द परफेक्टली इंसुलेटिंग मटेरियल, हैज अ वॉल ऑफ थिकनेस 8 सेंटीमीटर एंड द ऑनली वे टू द हीट टू एंटर और लीव द बॉक्स इज थ्रू द टू सॉलिड सिलेंड्रिकल मेटल प्लग। ईच ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरियाज इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 18 सेंटीमीटर फिक्स्ड इन द अपोजिट साइड। तो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब एक ऐसा क्यूबिकल ब्लॉक मान लेते हैं बच्चों, खाली एक सामने से क्यूबिकल होगा, सामने से खाली इसका देख रहे हैं तो, और दो प्लग इन है, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब एक में हीट जा सकता है एक में हीट आ सकता है। और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ दे रखा है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा 12 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर का है। ठीक है, तो कह रहा कि द आउटर सर्फेस ऑफ ए इज वन प्लग इज द केप्ट एट द टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड वाइल द आउटर सर्फेस ऑफ द अदर प्लग इन द मेंटेन इज द 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन कर रहा है और दूसरा आपका ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन कर रहा है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्लग इन इज 0.5 Kelvin/cm CGS सिस्टम में दे रखा है, Kelvin/cm सेक डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया ये वाला सेंटीमीटर डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा वो रफली लिख दिया था। द सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन इज 30 Kelvin/s इन इनक्लोज इन द इन साइड द बॉक्स, फाइंड द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द इनर एंड आउटर सर्फेस ऑफ द बॉक्स, एज्यूम दैट इट इज द सेम ऑफ एट ऑल द पॉइंट ऑफ द इनर सर्फेस। तो देखो बहुत सिंपल है, वहाँ पर एक पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर रखा है, दूसरे को 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ का कोई दिक्कत है नहीं तो हमें वो बता रखा है, तो आ जाएगा। और रहा बात उसका कि वो जो बता रहा है कि पर सेकेंड ऐसा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी पर सेकेंड में ही है, तो यहाँ से dQ/dt अगर लिखेंगे तो यहाँ से dQ1/dt + dQ2/dt। तो मतलब कि अगर हीट को जब अब फ्लो करेगा तो ये इधर जाएगा और दूसरा एक इधर जाएगा, तो जब फ्लो मतलब मेन तो हीट यहीं से मिल रहा है इसको, 0.5 Kelvin का सर कंडक्टिविटी है और 36 Kelvin/s वो जनरेट कर रहा है, तो एक सेकेंड में 36 Kelvin दे रहा है। तो यहाँ से तो ऐसा लिख लेंगे upon 1 Kelvin में वो आ जाएगा। dQ1 के लिए अगर मान लेते हैं 1 इसके लिए है, तो टेम्परेचर इसका T कर लेते हैं, यही होगा ना, तो वहाँ पर T हो सकता है कि उसका वैल्यू ज़्यादा हो, क्योंकि वो उसमें स्टीम वगैरह का कुछ काम कर रहा है क्या। क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स इज द वॉल इज द टू सॉलिड सिलेंडर प्लग द क्रॉस सेक्शन दिस आउटर सर्फेस द थर्मल कंडक्टिविटी इनक्लोज इन साइड द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज द इनर एंड आउटर सर्फेस। तो इसमें बस आपको दोनों तरफ का हीट को लिखना है, वहाँ पर 36/1 जो लिखने की कोशिश भी कर रहा था, तो यहाँ से कंडक्टिविटी इसका वैल्यू के होगा और एरिया ए एल तो दोनों का सेम ही है, तो यहाँ से आप ऐसा मान लीजिए कि T-100 + T-4 ऐसा, क्योंकि उन दोनों का सम करेंगे तो T-100 आएगा और उसका अगर T-4 है तो उतना ही आएगा, तो बाकी का आपको चाहिए था क्या टी टेम्परेचर, तो T-104। तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो 36 = कंडक्टिविटी का वैल्यू कितना दे रखा है 0.5 और एरिया सबको सीजीएस सिस्टम में लेना है तो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, तो यहाँ से 12 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -104, तो T + T 2T ऐसा मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 3/4, तो 12 4 3 से कट हुआ तो यहाँ से 48 हो जाएगा, तो 48 = 2T - 104, तो यहाँ से हो जाएगा 24 = T - 52, तो T = कितना हो जाएगा 24 + 52 76 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका कितना होगा 76 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आया कि दोनों तरफ से हीट जो इसका फ्लो हो रहा था और इस तरह से इसका बनेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
इसमें क्या कह रहे कि सोज द वाटर ऑफ द टैंक इज द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी नॉट, यहाँ पर टी नॉट टेम्परेचर है, और एंड द स्मॉल बॉडी ऑफ द मास एम इज द स्पेसिफिक हीट एस एंड द टेम्परेचर इज टी वन, मास के पास टी वन है और टी वन का वैल्यू ऑब्वियसली कम दिया होगा, हाँ दिया ही है, गिवन दैट टी वन इज द लेस देन टी नॉट, अ मेटल रॉड इज द लेंथ एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, हुज द थर्मल कंडक्टिविटी इज के, इज प्लेस्ड बिटवीन द टैंक एंड द बॉडी इज द कनेक्ट, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, गिवन दैट द हीट कैपेसिटी ऑफ द रॉड इज नेग्लेक्जिबल, हीट का अपना कुछ रोल नहीं है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी के लिए कंडक्टिविटी उसका कुछ के है, मतलब हीट नहीं अपने पास रहा, पास का ऑन कर दे रहा है, तो के एरिया अपॉन लेंथ एल, ये सब दिया ही हुआ है, और टेम्परेचर इज डिफरेंस इज से इन जनरल किसी टाइम टी पर होगा टी माइनस टी नॉट माइनस टी, ऐसा क्योंकि टी वन कम है तो हीट का फ्लो होगा एट एनी टाइम टी पर, ऐसा बोल देते हैं। तो ये जो मास एम वाला है तो उसी टाइम पे वो हीट भी कुछ वो भी तो ले रहा होगा, तो उसके जगह पे हीट कितना होगा एम एस डी टी टेम्परेचर, मतलब डी टी टाइम में इतना हुआ होगा, तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं के ए एल टी नॉट माइनस टी इंटू डी टी, ऐसा उस डी टी को उधर भेज दीजिए तो क्वाइट आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि डी टी इज अपॉन टी नॉट माइनस टी इंटीग्रेशन, यहाँ से के ए एम एस एल डी टी, ऐसा होगा यहाँ से t इक्वल टू जीरो पर उसका टेम्परेचर कितना था t1, और एट एनी टाइम t पर, एट एनी टाइम t पर हमारा है पे t, तो उसी t की बात कर रहे हैं तो उसको निकालना है। तो यहाँ से 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, 1 बाई एक्स, और जब निगेटिव कोफिशियंट है तो इसका कितना हो जाएगा ln t नॉट माइनस t विथ निगेटिव। तो जिनको समझ में नहीं आया तो इंटीग्रेशन जाकर देखें तो वहाँ से और आपको समझ में आ जाएगा, ये निगेटिव है t नॉट माइनस t, ऐसा इक्वल टू के ए एम एस एल टी, ऐसा होगा, तो इस निगेटिव को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो आगे क्या, हाँ यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट वो भी लगेगा टी नॉट से टी वन, ओ टी वन टू टी ना, टी वन से टी, ठीक है। तो जब अपर लिमिट को रखेंगे तो टी के जगह पे तो टी हो जाएगा, टी नॉट टी है तो ठीक है, माइनस टी नॉट माइनस टी वन, तो जब माइनस में होगा तो लॉग नीचे की तरफ आएगा, तो क्या क्या बचेगा देखिए, तो एल एन टी नॉट माइनस टी अपॉन टी नॉट माइनस टी वन इक्वल टू माइनस के ए एम एस एल टी, यही था ना के ए एम एस एल टी, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा टी नॉट माइनस टी ओवर टी नॉट माइनस टी वन है वो टी वन इक्वल टू ई रेस टू द पावर के ए टी अपॉन एम एस एल, तो टी नॉट माइनस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा टी नॉट माइनस टी वन ई रेस टू दी पावर के ए एम एस एल इंटू टी, ऐसा, तो हमें टी चाहिए तो उसमें निगेटिव को इधर ऐसा भेज दें तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा टी नॉट माइनस टी वन ई रेस टू दी पावर माइनस के ए एम एस एल इंटू टी, ऐसा इसका टेम्परेचर इसका वेरिएशन होगा, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, बताइए। तो इसमें कुछ था नहीं, अब इसी को ऐसा ऑप्शन में देखेगा तो ई रेस टू द पावर समथिंग समथिंग पता नहीं क्या हुआ, तो सिंपल सा क्या लग रहा है एम एस इक्वल टू डेल्टा टी और उसका कंडक्टिविटी का, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपने जितना मैथ में काम किया होगा जितना आपने मेहनत किया होगा बस उसी का एप्लीकेशन यहाँ कर दीजिए, आंसर घर ले जाइए 4-5 नंबर, ठीक है। तो ये बात समझ में आया होगा, अब आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा कि वेन द टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 इज द स्पेसिफिक हीट्स s
वन एंड एस टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी वन टी जीरो आर कनेक्टेड बाई द रॉड ऑफ द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए विद द थर्मल कंडक्टिविटी के फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडीज आफ्टर द टाइम टी निगलेक्ट द एनी क्रॉस सेक्शन रेडिएशन ऑफ द सर्फेस. तो टू बॉडीज है कुछ इस तरह का एम वन ए रॉड ऐसा कुछ है ए एम टू है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी वन जीरो है और इनका टी टू जीरो है. यही है ना टी वन जीरो का वैल्यू ज़्यादा बता मतलब टी वन ही लिख देते भाई इतना स्टाइल क्यों मारा नहीं तो टी टेन टी ट्वेंटी नज़र आ रहा है और वहाँ का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस वन है और यहाँ से एस टू है कुछ ऐसा ही बन रहा है. तो हमें क्या चाहिए कि फाइंड अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ टाइम टी. तो मतलब इनको भी इंटीग्रेशन का स्वाद चाहिए. यही कुल हुआ ना मिलाकर. देखिए अगर रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो अगर लिखना कॉन्सेप्ट अगर अपना निकालें तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा कुछ के ए और उसका लेंथ रॉड का बच्चों एल मान लेते हैं नहीं गिवन है एल ऐसा होगा और यहाँ से टी वन माइनस टी टू इसका उस समय का टेम्परेचर डिफरेंस इतना होगा. ए वाला टी वन का वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ से अगर डी क्यू का वैल्यू देखिए तो कितना हो जाएगा एम वन एस वन कुछ टी वन माइनस टी टू ऐसा टी क्यू वन और डी क्यू टू का अगर देखेंगे तो एम टू एस टू इंटू टी वन माइनस टी टू. इसमें क्या हो रहा है कि हीट कम कर रहा होगा इसलिए निगेटिव और यहाँ से टी वन माइनस टी टू वो हीट गेन कर रहा होगा ऐसा. तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या अच्छा दोनों का हीट का फ्लो का रेट सेम होगा तभी तो स्टेडी स्टेट में जाएगा. तो ऐसा क्योंकि जितना वो हीट फ्लो करेगा उतना ही ये करेगा. तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या डी क्यू ओवर वन बाई एम वन एस वन प्लस वन बाई एम टू एस टू इक्वल टू वहाँ से टी वन माइनस वो टी टू था तो माइनस को बाहर ले लेते हैं कि डी टी वन माइनस टी टू ऐसा इसमें बना सकते हैं. मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया एक तरीके से डी क्यू और उसके लिए डेल्टा टी और या इस तरह का लिखने के बाद कुछ इसमें तो इसमें डी क्यू बाई डी टी का यहाँ पर वैल्यू रख लिया जाए तो कितना हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी के जगह पर तो डी माइनस का T1 माइनस T2 ऐसे रखे रहिए और वहाँ से T1 बाई T2 को इधर लेकर आ जाइए और जो इधर के लिए जो थे मतलब DQ के जो जगह पर आए थे 1 बाई इसको इधर भेज दीजिए 1 बाई M1 S1 प्लस 1 बाई M2 S2 बाकी का KA ए तो एक अब ना चल ही रहा होगा KA ए बाई एल ऐसा. तो यही आया T1 बाई T2 को इधर भेज दिया और हाँ एक DT था उसको और इधर भेज दीजिए. अब इसको इंटीग्रेट कर दें इस नेगेटिव साइड को इधर शिफ्ट कर दीजिए और इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए तो जैसे डी एक्स बाई एक्स होता है तो वही एल एन एक्स के कैटेगरी का है और यहाँ पर है कि टेम्परेचर डिफरेंस पूछा था तो ओरिजिनली कितना था टी वन जीरो माइनस टी टू जीरो और यहाँ से टी वन माइनस टी टू. तो जब इसको आप लिखेंगे तो एल एन उतना आ जाएगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो अगले पेज पर लिख देता हूँ. तो यहाँ से कितना आएगा एल एन टी वन माइनस टी टू अपॉन यहीं पे कर देता हूँ कि टी वन जीरो माइनस टी टू जीरो इक्वल टू यहाँ से वन बाई एम वन एस वन प्लस वन बाई एम टू एस टू ऐसा होगा और क्या होगा इसका बच्चों माइनस के एल के ए एल इंटू टी विथ निगेटिव. तो जब इसको आप लिखेंगे यहाँ से टी वन माइनस टी टू अपॉन टी वन जीरो माइनस टी टू जीरो तो ई रेस टू दी पावर एम वन एस वन प्लस एम टू एस टू इंटू के ए एल इंटू टी टाइम. ठीक है तो इसका जो वैल्यू होगा इसको इधर भेज दें तो टी वन माइनस टी टू इक्वल टू टी वन जीरो माइनस टी टू जीरो टाइम्स ई रेस टू दी पावर माइनस वन बाई एम वन एस वन प्लस वन बाई एम टू एस टू के ए एल ओवर टी. ऐसा कुछ निकल कर आएगा तो समझ में आया. चलिए एक और देख लीजिए फटाक से. इसमें क्या कह रहा है क्यूबिकल कंटेनर ऑफ द साइड ऑफ द ए एंड द वॉल इज द थिकनेस एक्स इज सस्पेंडेड इन द एयर इज द फिल्ड विद द एन मोल्स ऑफ द एटॉमिक गैस
is gamma is given in the room where the room temperature is T naught at T is equal to 0, gas temperature is T1, T1 is greater than T naught. Find the gas temperature as the function of the time T. Assume that the heat conducted through the all the wall is container. तो यहाँ पर एक ऐसा मान लेते हैं, एक क्यूबिकल है जिसका सरफेस इसका साइड ए है, जिसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6a² और अभी हम क्या जानते हैं dq by dt is equal to हमारा k 6a² ओवर थिकनेस उसका x गिवन है, मतलब कि साइड में जो उससे हीट को कंडक्ट करा रहा होगा दिस एंड t1 माइनस t0 कुछ ऐसा होगा और अभी वो क्यूबिकल का हो रहा है और उसमें कुछ गामा का वैल्यू दे रखा है तो हीट उससे कैसे निकल रहा होगा क्यू इज इक्वल टू हम यही जानते थे ना अभी एन सी वी डेल्टा टी या डी टी कह लीजिए वहाँ से तो सी वी के जगह पर या माइनस एन क्योंकि वो हीट दे रहा होगा तो आर गामा माइनस वन इंटू डी टी टेम्परेचर और यहाँ से के 6a² ओवर एक्स t1 माइनस t0 कुछ ऐसा होगा तो डी टी के लिए चाहिए अभी अभी डिफरेंशियल इक्वेशन देखो कॉन्सेप्ट वही लग रहा है खाली डी क्यू बदल रहा है उसके जगह पर वहाँ से जो हम देखते थे मतलब कि एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है हीट कितना गेन कर रहा है तो इसीलिए एन आर सी वी डेल्टा टी एन सी वी डेल्टा टी लगाते थे और उसमें वैल्यूज का कितना होता था मोनाटॉमिक गैस अगर होता तो 3R/2 डायटॉमिक गैस है तो 5R/2 लेकिन वो गामा का वैल्यू दे रखा है तो इसलिए हम गामा में ही आंसर उसका निकाल दे रहे हैं तो डी टी ओवर टी माइनस टी वन माइनस टी नॉट इज इक्वल टू के 6a² ओवर एक्स और यहाँ से टी वन माइनस टी नॉट उधर चला गया इंटू डी टी और एन और आर को भी इधर ही रख लीजिए एन आर का जो वैल्यू आया है और तो निगेटिव होगा तो यहाँ से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ आएगा तो डी टी का वैल इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एल एन टी वन माइनस टी नॉट तो इसका एन एन मोल्स एंड रूम टेम्परेचर इज टी नॉट एंड गैस टेम्परेचर इज टी वन तो टी वन से आपको कुछ टी पे लेके जाना है ठीक है तो टी वन माइनस टी तो यहाँ पर आप टी वन से टी पे कर दीजिए और इक्वल टू माइनस 6a² के 6a² ओवर एन आर एक्स इंटू टी होगा तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी वन माइनस टी नॉट और यहाँ से टी वन माइनस टी नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस 6a² के टाइम्स इंटू टी एन आर एक्स होगा तो ये ऐसा कुछ निकल कर आ जाएगा ठीक है बच्चों तो ये बात समझ में आया तो आया तो इसको इस पर जो कंडक्टिविटी पे जो कुछ क्वेश्चंस होगा कहीं का भी होगा आप जाइए करिए तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे बन जाएगा अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे आकर यहाँ पर बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो इसी को आगे और एक्सटेंड करेंगे इसके जो और भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो बताएंगे और उसके नए कॉन्सेप्ट में चलेंगे तो आज के लेक्चर में इतना ही थैंक्स फॉर योर टाइम